मैं आपको उन दोनों का एड्रेस भी दे सकता हूँ। हैं? तो बेटा अब इंतजार किस बात का, चलो जल के जल्दी से उनका एड्रेस तो मिल ही गया है, पकड़ के घसीटते हो या चौकी ले आते हैं उनको। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे डराया था, आप भी उन्हें डराइए। बेटा ये बच्चों की पुलिस नहीं है। नहीं बिल्लू मामा, वेल एकदम करेक्ट बोल रहा से। हमें उन्हें ना ही सिर्फ अरेस्ट करना है बल्कि सबक भी सिखाना है कि प्रैंक करना कितना बुरा हुए से, और जब प्रैंक हुए से तो कैसा फील हुए है। बेटा मालपुआ, तुम्हें जिस मकसद को हल करने के लिए यहाँ लाया गया है, हो सके तो वो हल कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हल चलवा दूं मैं। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एकदम चीखती चुड़ैल भूतनी बिगड़ेल आइडिया आ रहा है। तो किब देगा जब मैं चीख पड़ूंगी? नहीं नहीं मैडम, अभी बताता हूँ। आइडिया ये है, देखा यो आइडिया एकदम सही रहेगा बिल्लू मामा, गोपी मामा। क्या? अब हम देंगे उनको ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हेलो जी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ये अप्पा चप्पा डब्बा लेके कहां घूम रहे हैं? वेल, हम हैं फ्रिज की डिलीवरी करने वाले। इस दा आप ये फ्रिज अपने घर में रखवा ले। इस दा फ्रिज? अरे टू बी वेरी फ्रैंक माय डियर फ्रैंक, अरे ये देखो कोई फ्रिज लेके आ गया, डोंकी डॉन है। क्या कहा? क्या लेके आ गया? हाँ कोई बात नहीं, अरे देने ही आया है ना, लेने तो नहीं आया, मंकी मॉडल है। ठीक है जी, आप लोग सामने के शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं ना? हाँ जी, हम वही शॉपिंग करते हैं, मंकी मॉडल है। शॉपिंग मॉल की तरफ से लकी ड्रॉ में आपने ये गिफ्ट जीता है, फ्रिज। मिस्टर किशोर रफी। हैं? किशोर रफी? इसका मतलब आप किशोर रफी नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, किसने कहा नहीं है भाई साहब, लाल टोपी देखिए, हम लोग किशोर रफी हैं, मैं किशोर और ये रफी। जी एक काम कीजिए, जल्दी से यहाँ साइन कीजिए और हटिए, मैं फ्रिज अंदर लेके जाऊँ। हाँ जरा संभाल के लेके जाना, उधर राइट साइड में रख देना खाली जगह। अरे देख के यार, वाह, लाओ लाओ साइन करो। अच्छा हुआ किसी और का फ्रिज देके चला गया। साइन कर दो ओरिजिनल वाला। कर दिया। ए ओ ई अकारा पकारा खचर पचर। हाँ यार, कहाँ रह गया है कैरी ऑन, अब तक ना आया। जी हो गए साइन। जी जी जी। और जी मैंने फ्रिज का प्लग ठोस दिया है, पर गलती से भी उसको ऑन मत करना, हमारी कंपनी का आदमी आएगा वही उसे ऑन करेगा, उसके बाद उसे यूज करना है ना। अच्छा जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, शोले खाओ सस्ते। वेल, क्या अवस्था है भीतर की? मैडम मैंने फ्रिज सेट कर दिया है, मालपुआ फ्रिज का डेमो देने होगा जाता इस दा, उससे कुछ नहीं है आता इस दा। अरे पड़ेगा प्लान का दूसरा इक्का, हम डालेंगे दूसरे पे तीसरा इक्का, वो भी खचर पचर। अरे आ रहा हूँ ना, कौन है यार, कौन है? वड़ी साई, वो हम फ्रिज का डेमो देने आए हैं ही नहीं, लच्छू गिड़गिड़ानी। अरे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए, ठंडा पानी पियेंगे, मंकी मॉडल। आइए आइए आइए, ठंडा ठंडा लग रहा है। आइए, ये रहा हमारा नया फ्रिज, अब डेमो दे दीजिए, मंकी मॉडल है। बड़ी सही लगा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब शुरू कर यानी। अरे ए डेमो वाले भैया, ये क्या पूछ क्या कर रहे हैं आप? अरे डेमो दो ना यार, डांस क्यों दिखा रहे हो, मंकी मॉडल है। ओहो, टू बी वेरी फ्रैंक माय डियर फ्रैंक, मुझे लग रहा है कि फ्रिज में करंट आ गया और लगता है ये करंट खा गया। डोंकी डॉन है। अरे अरे एक मिनट, अरे लगता है ये तो मर गया करंट खा के, मंकी मॉडल है, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा? कॉल आ गया।
जी कहिए। अबे जितनी घंटी मैंने थारे दरवाजे की बजाती ना, उतने घंटे में मंदिर के बजाती तो भगवान प्रकट हो जाते, तू नहीं प्रकट हुआ। लेकिन मैडम आप यहाँ कैसे, मंकी मॉडल है? अरे घर में नया फ्रिज आया है। हाँ आया तो है, लेकिन ये तो कोई क्राइम नहीं है ना मैडम? ना यो क्राइम ना है, यो भरी दोपहर में इतनी दूर से आए हैं, फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी ना मिले, यो क्राइम से है। नहीं वो क्या है ना मैडम, हमारा फ्रिज अभी तक चालू हुआ नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ठंडा तो नहीं बल्कि आपके लिए यही रहिए, मैं सादा पानी लाता हूँ, अभी लाता हूँ अभी। एक मिनट जी, तो थारे फेस का ट्रांसफार्मर क्यों उड़ा हुआ है? अब ठीक तो से, अंदर कुछ गड़बड़ तो ना है? ट्रांसफार्मर नहीं नहीं मैडम, हाँ ये सब ठीक ही है, अब मतलब कहाँ उड़ा। चलो अब क्या पानी, अब तो पंखे की हवा खाएंगे। अरे लेकिन मैडम सुनिए, भाई बहुत गर्मी हो रही है, पंखे की हवा खा ले जरा। पता चला थारे चेहरे की हवाइयां क्यों रखी थी। अरे नहीं नहीं देखिए मैडम, हम बेकसूर हैं, हमने नहीं मारा इसे, ये अपने आप करंट लग के मर गया, हमें बचा लीजिए, ए मंकी मॉडल है प्लीज। ए आया माया ई पिंगी पिंगी चिंगी खचर पचर। के बोल रहा है पप्पू, खून हुआ है, यो मामला ले दे के कैसे रफा दफा कर दूं। हाँ नहीं नहीं मैडम सुनो, तो ले दे के कुछ समझ लो ना, डोंकी डॉन है। कितना दोगे? 1,00,000 दे देंगे। हाय लेन दोनों ने। अरे एक मिनट मैडम, मेरा कहने का मतलब है कितना लेंगे? 5,00,000। अलमारी में 5,00,000 रखे हैं, चुपचाप ढा के दे दे, नहीं फांसी चढ़ जाएंगे हम दोनों, डोंकी डॉन है। अभी आ रहा हूँ मैडम, अरे सारे पैसे दे दूँ क्या करूँ। ओ बिल्लू वापस दे दूँ। कौन हो आप लोग? अबे हम लूटेर हैं, लूटने आए हैं, ये लूटेरा मैं इसकी लूटेरा। लेकिन आप लोग अंदर कैसे आए मंकी मॉडल है? जानी तूफान सुनामी और जलजले और लल्लू लुटेरे को आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, हम खिड़की से आए हैं। जरा सी भी आवाज की तो गोली मार दूंगा। लेकिन बंदूक कहाँ है? ए बंदूक मेरे पास है, निकालू क्या? तू आवाज कर, मैं गोली मारती है। नहीं होएगी होएगी। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, भूला मुन्नी माखीजा मशहूर और मारूफ गायिका आपके लिए एक नायाब ठुमरी पेश करने जा रही हैं, तो मुन्नी माखीजा से आप रूबरू हो जाइए। मुन्नी जी सुनाइए। कुछ हुआ था क्या? अरे वो थारा साथी किधर गया, नोट लेने गया या छापने गया है? तू सीधी तरीके से मुझे माल दे रहा है या मुझे गोली मार के भी माल लेना आता है? नहीं ले, नहीं गोली मत मार रहा, ले लो, दे दो, शाबाश, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, बस बस चलो। अरे अरे लेकिन सुनिए, अरे लुट गए, लुट गए, लुट गए, अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, ये मंकी मॉडल है। तू भी वेरी फ्रैंक माय डियर प्रैंक, क्या हो गया? अरे हुआ क्या, दो लुटेरे आए और सारा पैसा लूट के ले गए, मंकी मॉडल है यहाँ। आया माया खचर पचर, झूठ बोल रहा है ये। आवाज तो तुम दोनों की मैं बंद करूंगी, चल धर ले भाई इनको, ठूस ले जेल में। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, हम लूट गए मैडम, वो सारा माल लूट के ले गए, मंकी मॉडल है। हाँ देख कल 12 बजे तक का टाइम दे रही हूँ, ने 12 बजे तक चौकी में आ जाना पैसे लेके, नहीं तो हथकड़ी बना दूंगी। और एक और बात, यो जो लाश है ना, यहाँ से 1 इंच भी ना हिलनी चाहिए, 1 इंच के का मैंने, समझ में आया? कोशिश कर चुके हैं जी। और जो ये हिलगी तो मैं तुम दोनों को ऐसा हिलाऊंगी कि तुम दोनों की दुनिया हिल जाएगी। आई बात समझ में?
चल बे बापू। खचर पचर चलना। अरे यार फ्रैंक, कल दोपहर 12 बजे तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना सुना था ना वो इंस्पेक्टर साहिबा क्या बोल कर गई है, मंकी मॉडल है। अरे यार लाश भी अंदर पड़ी, मेरा मन नहीं हो पा रहा, मतलब हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाके चाय बनाने की, मुझे बहुत तेज तलब लगी यार। अरे मैं सोच रहा हूँ यही सो लेंगे आज रात। कोई है क्या अंदर? अरे ये कौन है? दरवाजा बंद कर, बच गए। अरे अरे क्या हो गया? ए बुज्जी बुज्जी, हमने क्या किया है, हमें क्यों डरा रहे हो, हमें माफ कर दो, मंकी मॉडल है, प्लीज प्लीज। बुज्जी हाँ, हमने थोड़ी ना आपको मारा है, आप तो करंट खा के मर गए। तू चुप, आज तक तुम दोनों दुनिया को डराते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्हीं लोगों की बद्दुआ की वजह से आज मैं तुम्हारे घर में करंट से मर गया और मैं भूत बन गया। अब मैं उन लोगों का बदला तुम दोनों से लूंगा। बड़ा शौक है ना लोगों को डराने का, उनके साथ प्रैंक करने का। नहीं है, हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, माफ कर दो, इस बार माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मंकी मॉडल है, प्लीज इस बार सच में माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, डोंकी डॉन है। एक शर्त पर मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ। कौन सी शर्त? कौन सी? तुम दोनों खुद चलकर पुलिस स्टेशन जाओगे और अपना गुनाह कबूल करोगे। करेंगे ना, बुज्जी करेंगे, कसम खाते हम कल ही जाएंगे पुलिस स्टेशन। क्यों जाएंगे ना, हम जाके वहाँ पे कबूल कर लेंगे कि हमने किया सब प्रयाग, हमें माफ कर दो प्लीज, आज माफ कर दो, मंकी मॉडल प्लीज कर दीजिए। ठीक है, अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और उधर देखो। बंद करके कैसे देखूं? दिख रहा है? हाँ मुझे भी दिख तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। ए बुज्जी, ए के फ्रैंक, बुज गए हम लोग, बच गए, ए भूत भाग गया, मंकी मॉडल है, हम लोग बच गए। तू डर गया था ना? तू भी तो डरा था। सुन, अब तो लाज भी नहीं रही, अब हम गाय को पुलिस जोगी जाएंगे, गुनाह कबूल करेंगे या आग तापो। अरे अब तो मन भर के, रज रज के, पेट भर के लोगों का मजाक उड़ाएंगे, प्रैंक करेंगे, उन्हें डराऊंगा मैं इस बार, मंकी मॉडल है, अरे भूत की ऐसी की तैसी। कैसी? आए नहीं अभी तक दोनों, प्रैंक अभी तक तो आ जाना चाहिए था। Yes! कहाँ रह गए?
आइए आइए। जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए हम अपना गुनाह कबूल करना चाहते हैं, मंकी मॉडल है। हाँ जी मैडम, टू बी वेरी फ्रैंक, अब हम कभी नहीं करेंगे प्रैंक, डोंकी डॉन है। कैसा प्रैंक? कौन सा प्रैंक? वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द अजय देवगन या अक्षय कुमार इज द है? दरअसल हम दोनों वो हैं जो सबका प्रैंक करते ना, मतलब मजाक करते ना, और फिर उसका वीडियो बना के मजाकिया.com में भेज देते हैं। मंकी मॉडल है, हम वो हैं। जी जी। और मैडम, हमने ये जो आपके मोटे से गोल मटोल हवलदार बने ना, हमने इनको लॉलीपॉप नाचने वाला हम ही ने खिलाया था, और साथ में हम ही ने वो इन पे केक मरवाए थे। डोंकी डॉन है भाई। एक बात तो बताओ, ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो खुद ही आ गए यहाँ पे? देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। उस कहानी में एक भूत भी है और वो। अरे वो बातें मत कर, मेरा दिमाग खराब है सोच सोच के। मैडम मैडम आप तो इतना समझो, हम लोग अपना गुनाह कबूल करने आए हैं बस, हैं? डोंकी डॉन है। आराम से, मंत्री जी गिरने नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। आराम से, आराम। हाँ। देखो हम गिर गए तो देश गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आराम। Oh my gosh! What a blunders! Well done, ज्वालामुखी चोटाला, well done. मुझे बहुत खुशी है कि आपने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। I'm proud of you. Yeah. Shut up. Get up. Get up. Yeah. 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 Sorry. Sorry. Yeah. She's arrest is the. अब ये करेंगे जेल में, arrest is the है? Yo. ना गोपी मामा, मैं क्या कही थी, मारी मम्मी ने क्या सिखाया है कि झूठ बोलना पाप से, नदी किनारे सांप से। तो जी सर जी, मैंने तो ना पकड़ा इनको, ये खुद ही आ गए अरेस्ट होने यहाँ पे। हाँ। लेकिन मैडम वो सब ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, आपका इलाज है मेरे पास, आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, मेरा मतलब आजादी मिल जाएगी। दरअसल मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास एक ऐसा केमिकल है, वो लगाने से सब छूट जाएगा। मंकी मॉडल है। हाँ। मैडम आप तो हमें माफ कर दो बस, डोंकी डॉन है। ठीक है तो फिर अगर तुम वादा करते हो कि आगे से ये बदमाशियां ना करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। हाँ, वादा मतलब, अरे मैडम हम कसम खाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम कभी किसी के साथ कोई प्रैंक नहीं करेंगे। मंकी मॉडल है, कसम। चलो शाबाश। कुछ चल रहा है, कुछ हल्का कुछ है, क्यों क्या मामा? कुछ कुछ चल रहा है, कुछ है यार। नकली है, फेंक दो। वो क्या है, इधर आया था तो मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा मजाक ही कर लूँ इसलिए। हाँ, एक्सक्यूज मी ब्रो, कम डाउन साइड, कम हियर। मानना पड़ेगा बॉस, आपके इलाके में क्या दिमाग लगाया है आपके इलाके में। क्यों शर्मा? क्यों नहीं मिश्रा, दो कांड कर चुके हैं, अब कांड करेंगे तीसरा। डैडी रूम में मम्मी होम में, क्यों चतुर्वेदी? अरे यार चुप करो तुम दोनों, इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताना जरूरी है? अरे जीप के भी कान होते हैं, गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। Am I right, boss? चुहिया बुझा गई चूल्हे को, बरातियों ने पीटा दूल्हे को। अरे अभी तक तो जो दो कांड किए हमने वो कुछ भी नहीं है, असली कांड तो हम आज करने वाले हैं। बहुत शाबाश पोतरा, शाबाश। हाँ हुई ना गल है। Oh, oh.
मैंने कहा था ना लड़की में है कोई बात इस दा, देखो कैसे चला रही है घूसे लपड़ लात इस दा है। क्या लुट गया, बर्बाद हो गया। बीवी बेकसूर है भाई, जब बीवी बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है जिसने तुम्हें लूट लिया, जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया? या who the he is the, मैं रोज खाता हूँ देसी घी is the। मुझे पुलिस वालों ने लूटा है। हाँ हाँ, मुझे आबाद से बर्बाद करने वाले वो पुलिस वाले। बीवी बेकसूर है। ज्यादा चौड़ा हो रहा है तू, है पुलिस में इल्जाम लगा रहा है कि पुलिस ने तैने लूटा है? मैडम हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग मेरी दुकान पे आए, मुझे लूटा, 5 लाख का गल्ला चुरा के ले गए। बेटा ऐसा कंटाप मारूंगी ना कान के नीचे, क्यों ईल पील चील कौवा करना भूल जाएगा तू, भाग यहाँ से। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? हाय हाय, समझा, आप लोग भी पुलिस वाले हैं और आप चार उन चारों से मिले हुए हैं। रोटी पीपल, बीवी बेकसूर है। कौन चारों? अरे वही चारों पुलिस वाले जो मुझे लूट के चले गए। Well, इस पे हुआ है अत्याचार इज्दा, जिन्होंने इसको लूटा है वो पुलिस वाले हैं, चार इज्दा है। भैया चाट बहुत अच्छी बनाई है। पूरे शहर में लूटपाट मची हुई है और तुम यहाँ खड़े खड़े चाट खा रहे हो, प्लेट पकड़ो इसके हाथ से। अबे देख क्या रहे हो बड़े साहब, सलूट करो। अब सलूट मारते रहोगे क्या? चलो गाड़ी में बैठो, चलो। पर जाना कहाँ है? अरे बहुत बड़े मिशन पे जाना है, डैडी रोम में मम्मी होम में, चलो। मतलब जाना कहाँ है, रोम या होम? अरे सर इसे अभी के अभी, इसे अभी के अभी सस्पेंड करो, गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। नाम क्या तुम्हारा, नाम क्या है? नहीं नहीं सर, सर बड़ी मुश्किल से मेरी नौकरी लगी है पुलिस में, प्लीज मुझे सस्पेंड मत कीजिए, आप जहाँ बोले मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो फिर बैठो गाड़ी में, चलो चलो। चलो चलो काम पे लगाओ, बोर्ड में खींचो, चलो चलो चलो। अरे 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 साहब जी। नमस्ते। नमस्ते साहब जी, ये सब क्या हो रहा है? जिंदगी टीबी है, पड़ोसन मेरी बीवी है। क्या बात कर रहे हो, पड़ोसन तुम्हारी बीवी है, ये कैसे हो सकता है? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी बीवी पड़ोस में रहती है, इसीलिए जिंदगी टीबी है, पड़ोसन मेरी बीवी है। शराब, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? हवलदार मालपुआ, ये कैसी बदतमीजी है, मत भूलो कि हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले, जिम्मेदार पुलिस वाले जो यहाँ रेड डालने के लिए आए हैं। चूहिया बुझा गई चूल्हे को, बरातियों ने पीटा दूल्हे को, चलो उठक बैठक करो। लेकिन साहब जी सब क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, मेरा कसूर क्या है? जिंदगी टीबी है, पड़ोसन मेरी बीबी है। सेठ जी आपके घर में रेड पड़ी है, रेड का मतलब समझते हैं आप? गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। क्या रेड? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द, मतलब आलसी राठौड़।
एक्सक्यूज मी, वो तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अगर सरकार मुझे एक मौका और देना तो मैं बता दूं पुलिस क्या होती है। 30 साल पुलिस की सेवा की है मैंने। 45 साल। हाँ तो भाई तू कौन रखा है, क्या यार क्यों आया यहाँ? मैडम मैं कुंवारा हूँ। हाँ तो क्या हमारे से शादी के मंत्र पढ़वाने आया तू? अरे नहीं नहीं मैडम, शादी नहीं बर्बादी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। जिंदगी टीवी है, पड़ोसन मेरी बीबी है। ए ई ओ इंगली पिंगली कीको खचर पचर। वाह शाबाश शाबाश पप्पू, आज तूने वो बात की है जो असल में तुझे करनी चाहिए। आज तूने दिखा दिया कि तू मुझ जैसे महान इंसान का ही साला है। इसने बताया क्या कहा? इसने कहा है कि अगर पड़ोसन बीवी होगी तो फिर बर्बादी तो होगी ना, है भाई? हाँ भाई, क्या बात है? अरे नहीं नहीं भैया, अरे ये तो हमारा तकिया कलाम है, क्योंकि मेरी बीवी पड़ोस में रहती है। हाँ तो के चाह रहा है तू कि थारी बीवी को थारे घर में शिफ्ट करवाऊं? नहीं नहीं मैडम जी, ये देखिए ये मैं रसीदे लेके आया हूँ। जिंदगी टीवी है, पड़ोसन मेरी बीवी है। किस चीज की है ये रसीद इसदा? हसीनों को अब भी है मुझसे उम्मीद इसदा। वो सब आंटियां भैया। वेल जी दद्दू। पुत्र मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैं तो गोपी छाप वाला बैल बोला है। जाओ जाके टीटू के साथ खेलो जाओ। मैडम जी ये जो है 50 लाख के जेवरों की रसीदें हैं। कौन कहता है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ? अरे कौन कहता है चिंटू, मेरी बीवी जो है मेरे सामने सूखा पत्ता की तरह कांपती है। अरे बीवी को कंट्रोल में कैसे रखा जाता है ये मैं तुझे बताता हूँ। देख बीवी के सामने हमेशा शेर की तरह बन के रहो, और अगर वो आके सामने खड़ी हो तो उसे इस तरह से डांटो। बीवी आई खड़ी है, खबरदार अगर मेरे सामने एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। ओए बैंड बज गया। अरे आंटी जी नमस्ते नमस्ते, मैं तो बस चिंटू को थोड़ा घर घरेलू बातें बता रहा था। उमड़ दे कान उमड़ दे इसकी ना, तो क्या मेरे उमड़ेगा उमड़ ना। क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? सब सुन लिया मैंने, कहीं बोल रहा था? मैं क्या बोल रहा था? आयो मायो फुरफुर खुरखुर खचर-पचर खचर-पचर। क्या? नहीं 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 बिलाड़ी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो भूला हुआ था। हमारे सामने जबरदस्ती भूलने का नाटक मत कर जो, और कतरी बार भुलाओ। आंटी जी मामी जी चाची जी, अभी तो ये डब्बा खाने का पकड़ो, ये खा लेना और घर आओ बेलन खिलाती हूँ। खचर पचर समझे? अच्छा ज्वाला बेटी खचर पचर। वो मैं कह रहा था मैडम। चुप कर तू एकदम, कभी अपनी बीवी के हाथों से बेलन। खैर छोड़ते हैं इसे। हाँ तो सेठ जी, हाँ। आप कुछ मशवरा कुछ बातें लेकर आए थे, कोई रसीदें दिखा रहे थे आप, वो क्या थी बताइए ना। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए मैडम, हम आपको बता रहे हैं कि आपके पुलिस वाले हमारे घर आए थे, हमको बहुत डांटा डपटा, और एक मोटा हवलदार तो हम पर झपटा। उसने मुझे गुदगुदी की और मेरे जेब में से चाबी निकाली। मेरा नाम है इंस्पेक्टर भन्नोट, जिसके सामने कोई खोल नहीं सकता है अपने होंठ। चाबी निकालो जल्दी, तिजोरी की चाबी निकालो। मालपुर निकालो उसकी जेब से चाबी। गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। जी सर। अरे 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 हमारे पास कोई चाबी नहीं है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एकदम काबिल हवालदार हूँ, चाबी कैसे निकालते हैं मुझे पता है। देखिए काय चाबी। कमाल कर रहे हैं। अरे हवालदार साहब, अरे जेवरों की रसीदें जो हैं हमारे पास हैं। ठीक है जेवरों की रसीदें लेके चौकी आ जाना कल।
सर, सर मिल गई चाबी, ये देखिए। चूहिया बुझा गई चूल्हे को, बरातियों ने पीटा दूल्हे को। और आपके पुलिस वाले 50 लाख के जेवर जो मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए खरीदे थे उन्हें ले गए और हमसे कह गए कि तुम चौकी पे आना और रसीद दिखा के जाना। ये बोल रहा है, पुलिस थारे घर में आई थी और थारे 50 लाख के जेवर लेके चली गई। हाँ, और मैडम जी ये देखिए, ये हैं वो सारी जेवर की रसीदें, ये देखिए। और आप लोग जेवर दीजिए सीधे सीधे। अरे अंकल, तैने घनी गलतफहमी हो रखी है। मारी चौकी में थारे कोई गहने ना है और ना ही मारी चौकी थे कोई थारे घर में गया है। मैडम समोसे खाएंगी आप? मैडम जी यही है वो मोटा हवलदार जो हम पर झपटा था और हमें गुदगुदी किया था। अरे ओके बोल रहा है मालपुआ, तू गया था इनके घर? हाँ मैडम, वो इंस्पेक्टर भन्नोट और उनकी टीम इनके घर पे रेड मारने गई थी तो रास्ते में उन्होंने मुझे भी गाड़ी में बिठा लिया। और पता है मैडम, ये मेरी लाइफ की पहली रेड थी एंड आई डिड इट वेरी वेल। हाँ हाँ मैडम जी, अरे उस इंस्पेक्टर का नाम था भन्नोट और जिसने जेवर और लूटे मेरे नोट। वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर, इज द ऑनकोरो जनरेटर इज द मालपुआ, कोई भी पुलिस ऑफिसर रास्ते में तुम्हें रोक के अपने साथ बोलेगा बैठने को तो तुम बैठ जाओगे और जहां मर्जी वो ले जाएगा तुम उसके साथ चले जाओगे, ये बिना जाने कि वो कौन है वो क्या है। इतने बड़ा मो तुम? सर वो लोग ने वर्दी पहनी थी और वो मिस्टर भन्नोट है ना, उसने मुझे इतना जोर से डांटा ना कि मैं डर गया और चुपचाप उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। कुछ हुआ है क्या? कुछ ना हुआ है। देखिए सेठ जी। जी मैडम। आप टेंशन ना लो, हम इंस्पेक्टर भन्नोट ने लोकेट करते हैं और अपनी चौकी में बुलाएंगे और आपके 50 लाख के जेवर आपने मिल जाएंगे। जी अब निकल लो यहाँ से। हाँ, जिंदगी टीम। अरे चलना निकल ले, यो भी लेके जा। हाँ। पड़ोसन मेरी बीबी है। मच्छरदा महाराज। मैडम समोसे खाएंगी? ये ये जाओ जाके बैठ जा। ओके। बहुत मारेगी आज मुझे बिलौटी, बहुत पिटाई होगी मेरी। मैं भी कम नहीं हूं ना, मुझे पता है उसका इलाज। उसके लिए मैं गजरा लेके आया हूँ, जैसे ही गजरा देखेगी ना तो मेरे लपेटे में आ जाएगी। पर पहले नहीं दिखाता, एकदम से दिखाऊंगा ना तब मजा आएगा। सरप्राइज। टिंकू, इसको क्या हुआ? हेलो। हाँ टिंकू, क्या हुआ? तू सांस ले ले, पहले सांस ले ले, पहले सांस ले ले, तू नहीं, तू पहले सांस ले ले फिर बता। क्यों इतना टिंकू? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते टिंकू यार, तू कैसी टिंकू होते हैं, होते हैं टिंकू। तू कल बाबा से मंत्र करवा, ताबीज लेके आ। तू नहीं, वो मैं ऐसे ही बोल गया था, मैंने अभी अभी कुछ एहसास सा किया है कि मेरे घर में। तुम तो ना रखो बिलोटी, तुम मैं और मेरा बेलन कब से इंतजार कर रहा था, टेडी राजस्थानी है। देखो बिलोटी, मेरा यकीन करो, जो कुछ भी चौकी में हुआ है ना, वो मैं उस वक्त पे होश आवाज में नहीं था, मैं तो भूला हुआ था। तो फिर वो तो क्या क्या बोल गया, वो कोई और बोल गया मेरे अंदर से, मैंने तो नहीं बोला ना, मैं तो भूला हुआ था। तो मैं तो असली में तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना डरता हूँ और मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। तुमको नहीं यकीन है तो मैं आज तुमको इस बात का मैं यकीन दिला के रहूंगा। तुम बैठो यहाँ पे, बैठो ना। बैठ गई। क्या हुआ बिलोटी? मैं ना तुम्हारे जूड़े में टांकने के लिए गजरा लाया हूँ। सच्ची? हाँ। तो देर किस बात की लगाओ नहीं। अरे क्यों चिल्ला रिया हो? ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। चल हट, मारो तेल लगाया हुआ डंडो कटेगी। नहीं बिल्ली, नहीं नहीं बिल्ली, नहीं
सांप कहाँ से आया? सांप कहाँ से आया? हाँ, मोगरे की खुशबू से आ गया होगा, पर ये तो प्लास्टिक का सांप था। तू नहीं किया ये सब, पता है मेरे को सब तू नहीं किया ये, तू नहीं गजरे की जगह सांप रखा था। पता नहीं मेरे किन जन्मों के कर्मों का है तू नतीजा कि तू मेरा साला और मैं तेरा जीजा। खचर पचर। वेल बिल्लू कर दे मेरी मालिशिस दा, मेरी गर्लफ्रेंड है चालीशिस दा। भैया क्या मैं मालिश के लिए बनाऊं? क्या मेरा बस यही काम है कि मैं दिन रात सुबह शाम मालिश करूं? आपको भैया पता है कल रात को बिलौटी ने कितनी बुरी तरह well. खैर छोड़िए, हम लोग कुछ और बात कर रहे थे। अरे तू टेंशन ना ले, उस इंस्पेक्टर भन्नोट ने हमने बुलाया चौकी में और थारे 50 लाख के जेवर भी मिल जाएंगे। Well, हो रही है हमिंग इस दा, आई थिंक कोई आ रहा है कमिंग इस दा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। यो रखे इंस्पेक्टर भन्नोट। अरे हाँ, लेकिन मैं इन्हें ऐसे कैसे पहचानूंगा, इनके तो पूरे फेस पे जो है पट्टी लगी हुई है। जिंदगी टीवी है, पड़ोसन मेरी बीबी है। इंस्पेक्टर भन्नोट, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये आपकी शक्ल पे पट्टियां क्यों हैं? वो कल रात को गली में कुछ बदमाशों से डिस्कशन सा हो गया था। डिस्कशन? अगर आप बुरा ना माने तो क्या अब आप ये डिस्कशन खत्म कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि ये पट्टियां खोल सकते हैं, क्योंकि आपके फेस से रिलेटेड हमारे पास एक केस है। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, लंबा डिस्कशन। हेलो, मैं हूं इंस्पेक्टर भन्नोट, काजू बादाम अखरोट कानून के कीर्तन में। हाँ तो जी इंस्पेक्टर भन्नोट, यो जो आपके बगल में खड़ा हो रहा ना, आप उसने पहचानते हैं? अरे रे रे, एक मिनट। अरे मैडम जी, अरे ये हमें कैसे पहचान पाएंगे जबकि हम खुद इन्हें नहीं पहचानते। शाबाश, वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप हमें यहाँ पर आकर कहते हैं कि आपके घर के जेवर और नोट ले गया भन्नोट, और जब इंस्पेक्टर भन्नोट खुद यहाँ आपके सामने खड़े हैं 2 इंच के फासले पे, तो आप पहचान नहीं पा रहे उन्हें? अरे भाई साहब कमाल बात कर रहे हैं आप, अरे ये इंस्पेक्टर भन्नोट नहीं है। Well, पुलिस डिपार्टमेंट में एक ही है इंस्पेक्टर भन्नोट इसदा, जयपुर की कचौरी रतलाम की दाल मोठ इसदा। और वो आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, वो लखनऊ की रेवड़ी और वो शांडिला के लड्डू। भर गया पेट, क्यों और खाएगा? भर गया मैडम, बल्कि बदहजमी हो रही है। हाँ तो भाई थारे हिसाब से यो इंस्पेक्टर भन्नोट वो इंस्पेक्टर भन्नोट ना है, जो इंस्पेक्टर भन्नोट यो इंस्पेक्टर भन्नोट हो रखा है, और वो इंस्पेक्टर भन्नोट जो इंस्पेक्टर भन्नोट है जिसने थारे घर में चोरी की और थारे 50 लाख के जेवर लूटे, वो इंस्पेक्टर भन्नोट यो इंस्पेक्टर भन्नोट ना है। एक मिनट मालपुआ, तू तो इंस्पेक्टर भन्नोट को अच्छी तरह पहचानता होगा ना? तो यहाँ खड़े होके वाह 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 क्या कर रहे? ये बता पहचान के कि ये वही इंस्पेक्टर भन्नोट है कि नहीं है? नहीं नहीं, ये वो इंस्पेक्टर नहीं है। वो इंस्पेक्टर तो एकदम अदरक की चाय की तरह कड़क थे।
और ये तो मलाई की तरह नरम है। इतनी देर से किस बात का वेट कर रहा था तू? सुन लिया ना मैडम आपने, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, कमिश्नर के पास जाऊं या प्रेस में जुलूस निकालूं या होम मिनिस्टर के पास जाऊं? अरे जब पुलिस वाले खुद पब्लिक को लूटेंगे तो बेचारी पब्लिक क्या करे? बस चुप, मैं जा रहा हूँ, देखना अगर हमारा जेवर नहीं मिला ना तो ये डिपार्टमेंट को मैं हिला कर रख दूंगा। हाँ बता दिया है। Well, वो कौन लोग हैं जो बना रहे हैं हमें पुलिस शिज़दा, लोगों को लूट रहे हैं बांट के नकली पुलिस शिज़दा? गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। डैडी रूम में, मम्मी होम में। पुलिस वाले भी अपने बाल नोच रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कहां से आ गई नकली पुलिस इलाके में। यो लोग जो कोई भी है ना, इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मारा मन कह रहा है कि यो लोग जहां भी हैं कोई बड़े कांड की प्लानिंग कर रहे होंगे अभी। अरे अब हम एक ऐसा कांड करेंगे जिसके बारे में पुलिस सोच भी नहीं सकती। चूहिया बुझा गई चूल्हे को, बरातियों ने पीटा दूल्हे को। अब सुनो, नई प्लानिंग, नया गेटअप और नया कार। ठूसते रहो, 2400 घंटे ठूसने की पड़ी रहती है और इसी वजह से ये सब हुआ है। अगर मुझे तुम्हारे डैडी गुलगुले की चमचागिरी का ख्याल ना होता, ये मेरा मतलब है कि उनकी ड्यूटी का ख्याल ना होता, देखे, 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 देखे। तो मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड कर देता। आयो मायो खचर पचर। यार पप्पू, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो पुलिस नकली होगी। नकली और असली की अगर पहचान तुम्हें होती तो बात ही क्या थी। बिल्लू, इसीलिए लेके आए थे इसे यहाँ पे? ये जो गलती ना किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना? मेरी दीदी से भी हुई थी गलती। अगर उन्हें सही और गलत, असली नकली की पहचान होती ना, तो वो आपसे शादी नहीं करती और ना आप मेरे जीजा होते। तो आप यहाँ बातें मत बढ़ाइए प्लीज। और मालपुआ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे बहुत अफसोस है उस बात का, लेकिन तुम्हारे पापा भी थे, मैंने उनके साथ भी काम किया, वो बहुत बेवकूफ थे, लेकिन तुम्हारे जितने बड़े नहीं थे वो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। तुम्हारे अंदर मैं देखता हूं ना तो एक चीज की बहुत कमी है, वो है पैनी निगाह की। अगर मेरी तरह पैनी निगाह तुम्हारे अंदर आ जाती ना, तो फिर तुम पहचान जाते कि क्या असली है और क्या नकली। चुप, बकवास बंद कर अपनी। तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अनुभव, अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने सोचा है कि 2 साल की एक्सटेंशन देकर किसी ऐसे पुलिस वाले को अपॉइंट करूंगा जिसे बरसों का एक्सपीरियंस होगा। सर, मैं हूं सबसे ज्यादा अनुभवी इसदा, कानून पोएट्री है तो मैं हूं कवि इसदा। सर आप मुझे एक्सटेंशन दे दो सर, फिर देखना सर मैं कैसे ट्रेंड करता हूँ एक एक बच्चा इसदा, कानून का सिपाही हूँ मैं सच्चा इसदा। मैं जानता हूँ गोपी, मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया फोर्स में अगर किसी ने सबसे ज्यादा साल नौकरी की है तो वो तुम हो। वेल, और मैं तुम्हें इस चौकी का सीनियर मोस्ट हवलदार अपॉइंट करता हूँ 2 साल की एक्सटेंशन के लिए। All the best. Thank you, sir. ओहो गोपी मामा, के बात होगी फिर आगे पुलिस में आप, बधाइयां बधाइयां। कंट्रोल। ओए, सॉरी। ये आवाज है तेरी? Ah, yes, we got it.
कौन हो तुसी? मुंह उठा के अंदर आके। चीफ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह रावत, स्पेशल क्राइम फोर्स, रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। वेल ब्रोस, इससे पहले मैं ले लूं कोई एक्शन इसका, तुम जल्दी जल्दी दे दो अपना इंट्रोडक्शन इसका। चुप। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इंट्रोडक्शन मांगने की? बड़े से बड़ा मंत्री भी चीफ इंस्पेक्टर रणवीर रावत, जो मुजरिमों को खिलाता है डंडों की दावत, से उसका इंट्रोडक्शन मांगने की हिम्मत नहीं करते। शांत हो जाइए सर, ये हमारे सर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खास इस चौकी का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। हमें खबर मिली है कि यहाँ कोई नकली पुलिस का गिरोह इस इलाके में काम कर रहा है। हमें शक है कि हो सकता है इस इलाके की पुलिस भी उनसे मिली हुई हो, इसलिए सर करेंगे तफ्तीश और गुनहगारों के दांत तोड़ देंगे 32। चलो अपना अपना आईडी निकालो और चेक कराओ। चलो नकली पुलिस। एक्सक्यूज मी, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अपने अपने आई कार्ड निकालो और चेक कराओ, कोई भी चू चपड़ करेगा तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दूंगा। नहीं 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 सर, सस्पेंड मत कीजिएगा, मेरी बीवी तो मुझे मार ही डालेगी। वेल सर, मत दीजिए मुझे टेंशन इसदा, मुझे नौकरी में अभी अभी मिला है एक्सटेंशन इसदा। ए चल ठंडा ला। लेकिन सर हमने कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली है कि आप यहाँ आने वाले हैं। जो बता कराते हैं उन्हें रणवीर रावत नहीं कहते। अभी तुम नई नई लगती हो, इसलिए तुमने ऐसा कहा। आगे से अगर ये बात तुमने अपने मन में भी कही तो कहीं की नहीं रहोगी। वैसे शाम को मिलो तुमसे कुछ अकेले में। अकेले में क्यों सर? पूछताछ करनी है और आज से हम 3 दिन तक यहीं इसी चौकी में रहेंगे और देखेंगे कि यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। वेल सर, वो बताने के लिए मैं हूं तैयार इसदा, क्योंकि मैं हूं यहां का सीनियर हवलदार इसदा। पर शक्ल से तो रिटायर लग रहे हो। अभी अभी ताजी ताजी नौकरी में मेरी एक्सटेंशन हुई है ना, इसलिए। तुम्हारा नाम क्या है? AOE, ओया ओया खचर पचर। ये कैसा नाम है? कल से बोलना सीख के आना, कहीं मैंने सिखा दिया तो चले। और तुम मुझे काफी समझदार और सलीखेदार आदमी लगते हो। थैंक यू सर, आपने तो पहचान लिया मुझे, आप तो सर जौहरी निकले, आपको असली हीरे की परख है सर। आप कम चल चोटे, चप्पल निकाल मेरी चप्पल, जो कल मंदिर से चुरा के भागा है तू। मैंने देखा तुझे भागते हुए 2 कौड़िये के टटपुंजिये सड़क छाप आदमी, चप्पल दे मेरी, 150 रुपए की खरीदी थी मैंने कल ही। चुप चुप क्या चुप, चप्पल निकाल मेरी चप्पल। तेरी हिम्मत कैसे हुई चीफ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह रावत को 2 टके का टुचपुंजिया सड़क छाप बोलने की? कुछ हुआ था क्या सर? इसे नौकरी से अभी के अभी निकाल दीजिए। नहीं 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 नहीं, इनको नौकरी से मत निकाल जो, इनकी तो भूलवा की आदत है, डैडी राजस्थानी है। ला, 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 ला। तुम कौन हो? मैं ना इनकी बीवी हूँ, टिफिन लेके आई हूँ खाने का। लकी गाय मजा आएगा। अच्छा है, मतलब तुम शायद खाना काफी अच्छा बनाती हो। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा खाना बनाती है। आहा। इनके हाथों का खाना मैं दिन में 8-8 बार खा लेता हूँ। वो दिख रहा है। तो ठीक है, आज से 3 दिन तक रोज हमारी फरमाइश का खाना तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगे।
वरना इसकी नौकरी गई। नहीं, नहीं, नहीं। चलो काम पे लगो सब, चलो निकलो यहाँ से। चलना आए, 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 आए। तुम नहीं, तुम नहीं, इधर आइए। आपसे कुछ खास जरूरी बातें करनी है मुझे। ऑफिशियल आप रुकिए, बाद में चले जाइएगा। देखिए जी सर, वो क्या है ना कि मैंने एक बड़ा ही घना जरूरी काम याद आ गया, तो जी मैं आपने ना थोड़ी देर में मिलती हूँ। बहुत, आपने तो कुर्सी पे बैठ के दबदबा बना दिया, अब तो चौकी पे हमारा कब्जा है। गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। एक बार हम ये कांड को अंजाम दे दें, उसके बाद वारे न्यारे। मिश्रा। हाँ सर। उस सेठ को चिट्ठी लिखो जल्दी। ये तेरी आंखों में आंसू? ओपी मामा, आज ना मन्ने मारी मम्मी के घनी याद आ रही से। तो चिंता ना कर पुत्र, मम्मी जी जहां कहीं भी है ना, वो बहुत खुश है। और मुझे यकीन है एक दिन मम्मी जी हमें जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, देखना तुम। मारी नहीं गियो। गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। अभी सिर्फ तुम्हें पीटा है, बहुत जल्द तुम्हें लूटेंगे भी। तुम्हारे पास जो अनमोल हीरा है, हाँ है, वो हम लूटने वाले हैं। ये बाप, हो सके तो हमें रोक लो। कैसे रोकूं मैं? आय आय, कैसे, क्या करूं? पुलिस स्टेशन ही जाता हूं, उनको ही बता देता हूं मैं। कबूतर ने दाना चुग लिया है। आया। अब लूटेंगे हम और जेल जाएगी ज्वालामुखी। चूहिया बुझा गई चूल्हे को, बरातियों ने पीटा दूल्हे को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.